एक जनवरी को चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज टू स्थित स्काई होटल में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। इसको लेकर पुलिस ने अब एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया, जिसमें युवती के साथ होटल में ठहरे युवक को साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस को शक है कि इसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। अब होटल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की बात भी कह रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नए साल के पहले दिन ही सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ के होटल में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने अब आरोपी का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। पुलिस का दावा है कि ये सीसीटीवी फुटेज आरोपी को पकड़ने में काफी मददगार साबित होगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब होटल स्टाफ ने रूम सर्विस के लिए बार बार डोर बैल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। काफी देर के बाद होटल स्टाफ ने गेट खोलकर देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। दरअसल होटल में ठहरी युवती की लाश कमरे में पड़ी हुई थी, जिसके बाद सूचना होटल मैनेजर के साथ ही पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। मृतक लड़की की पहचान सरबजीत कौर के रूप में हुई है, जो संगरूर की रहने वाली थी। वही पुलिस ने मामले में हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच भी शुरू कर दी है। एरिया में एक स्काई होटल नाम से होटल है, तो उसके थर्ड फ्लोर के एक रूम पे एक महिला और उसके एक मेल साथी चेक इन किए थे 30 तारीख को शाम को, और उसके बाद कल शाम से लेकर आज सुबह तक उस रूम से कोई भी रिस्पांस नहीं था, जिसकी वजह से होटल मैनेजमेंट को शक हुआ और उन्होंने रूम को चेक किया तो पाया गया कि एक महिला की लाश वहाँ पे बेड पे बिछी हुई थी। ये अपने जिस दोस्त के साथ वहाँ पे चेकिंग की थी, उसकी पहचान मनिंदर सिंह के रूप में हुई है। वो भी चंडीगढ़ का ही रहने वाला है और इंडस्ट्रियल एरिया में ही कहीं पे काम करता है। उसको ढूंढने के प्रयास जारी है, उस पर शक जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज और होटल का रिकॉर्ड हमने सीज कर लिया। जानकारी के मुताबिक युवक युवती 30 दिसंबर को इस होटल में ठहरे हुए थे। दोनों की ओर से होटल में जो आईडी जमा कराई गई थी, उसके मुताबिक युवक की पहचान मनिंदर सिंह, जो चंडीगढ़ का ही रहने वाला है और इंडस्ट्रियल एरिया फेज टू में काम करता है। वहीं युवती की पहचान सरबजीत कौर के रूप में हुई है। पुलिस जांच के मुताबिक दोनों नया साल मनाने के लिए चंडीगढ़ के इस होटल में आकर ठहरे हुए थे। रात में नए साल की लेट नाइट पार्टी के बाद दोनों कमरे में चले गए थे। लेट नाइट पार्टी के चलते ही होटल में ठहरे गेस्ट को सुबह के वक्त डिस्टर्ब नहीं किया गया, लेकिन दोपहर में जब हाउसकीपिंग सर्विस के लिए होटल का स्टाफ पहुंचा तो काफी देर तक डोर बेल बजाने पर भी गेट नहीं खुला, जिस पर किसी अनहोनी की संभावना के डर से होटल स्टाफ ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि लड़की कमरे में मृत पड़ी है। वहीं जब उसके साथ ठहरे युवक को ढूंढा जाने लगा तो पता चला कि युवक फरार है। अब पुलिस युवती के फरार साथी की तलाश कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से कविता सैनी की रिपोर्ट।